गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज अपन इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 7 एडवर्ब्स के अंदर स्टडी करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन करेंगे पेज नंबर 21 पर। अपने पास में चैप्टर है आज 7 एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होती है? जो वर्ब्स को डिस्क्राइब करती है उन्हीं को एडवर्ब भी कहते हैं। आपको इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, लुक एट द पिक्चर्स देन रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। आपको इन पिक्चर्स को देखना है, उसके बाद में नीचे जो दिए गए सेंटेंस हैं इनको पढ़ना है। इसमें फर्स्ट सेंटेंस है, मनु इज ईटिंग स्लोली। मनु धीरे से खा रहा है या धीरे धीरे खा रहा है। उसमें आपको कलर किया हुआ वर्ड दिख रहा है स्लोली, ये क्या है? एडवर्ब है। नेक्स्ट देखेंगे आप सेकंड सेंटेंस के अंदर, द लिटिल बॉय क्लाइम द ट्री केयरफुली। छोटा लड़का सावधानी से पेड़ पर चढ़ रहा है। तो इस पिक्चर में दिख रहा है ना आपको, छोटा लड़का सावधानी से पेड़ पे चढ़ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे आप थर्ड, द सन शॉन ब्राइटली। सन जोर से चमक रहा है, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है। फोर्थ सेंटेंस, द सोल्जर फाउंड ब्रेवली। सैनिक बहादुरी से लड़ता है। तो इस पिक्चर में देखो आप, ये सोल्जर दिख रहा है आपको, ये ब्रेवली तरीके से लड़ रहा है ना। इस तरह से सेंटेंस दिख रहे हैं। इनमें आपको जो कलर किए हुए वर्ड है ना, जैसे कि इसमें देखोगे आप स्लोली फर्स्ट में, सेकंड में देखोगे आप केयरफुली, थर्ड में देखोगे आप ब्राइटली, फोर्थ में देखोगे आप ब्रेवली। ये सभी क्या है? एडवर्ब है। ये वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड है। और ये जैसे कि वर्ब ईटिंग, क्लाइम, शॉन एंड फाउंड, इन्हीं के बारे में इन वर्ड के द्वारा अपन को बताया जा रहा है। दे आल्सो टेल अस हाउ एन एक्शन इज डन। ये हमें बताते हैं कि किस तरह से एक्शन हो रहा है, किस तरह से काम ये क्रिया हो रही है। दे आर देयरफॉर कॉल्ड एडवर्ब्स। इसी के कारण इनको एडवर्ब कहा जाता है। एक्सरसाइज है अपने इसमें, इसमें एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अंडरलाइन द वर्ड्स दैट टेल अस हाउ थिंग्स आर डन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको इसमें एडवर्ब के नीचे अंडरलाइन करना है। एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बोर्ड पे समझा देता हूं। फर्स्ट सेंटेंस है, ही वॉक्स क्विकली। अब इस सेंटेंस में आप देखोगे आपको एडवर्ब क्या मिली है, क्विकली है ना। तो अपन क्विकली के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। इस तरह से आप सभी लोग क्विकली के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए फर्स्ट सेंटेंस में। सेकंड सेंटेंस देखिए, आई कैन डू इट इजीली। मैं ये आसानी से कर सकता हूँ। तो इसमें देखोगे आप इजीली एडवर्ब है ना, क्योंकि ये वर्ब के बारे में बता रही है, अपन डिस्क्राइब कर रही है इजीली जो वर्ड है। तो इजीली को ऊपर कर लेंगे अंडरलाइन। थर्ड सेंटेंस है, सीता राइट्स वेल। सीता अच्छा लिखती है, तो अच्छे को कर लेंगे अंडरलाइन। अच्छा यानी वेल। इस तरह से आप थर्ड में वेल को अंडरलाइन कर लीजिए। फोर्थ सेंटेंस देखोगे आप, टाइम फ्लाइज फास्ट। समय जल्दी से गुजर रहा है। इसमें आप करोगे फास्ट को अंडरलाइन।
नेक्स्ट सेंटेंस है फिर हरी वॉक स्लोली. इस सेंटेंस में आपको स्लोली को अंडरलाइन करना है. इस तरह से आपको फिफ्थ सेंटेंस तक इन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है. सिक्स सेंटेंस देखिए. ही टॉक लाउडली. सिक्स सेंटेंस में देखोगे आप ही टॉक लाउडली. इसमें आपको लाउडली को अंडरलाइन करना है. सेवेंथ सेंटेंस में रीना राइट्स नीटली. रीना साफ तरीके से लिखती है तो इसमें नीटली को करोगे आप अंडरलाइन. मैं अच्छे से लिख देता हूं. इस तरह से आप इसको अंडरलाइन करोगे. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए अपन. दे लिव्ड हैप्पीली. वे खुशी से रहते हैं. आपको हैप्पीली के नीचे अंडरलाइन करना है. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे अपन. नाइन. शी राइट्स वेलली. वे बेकार लिखती है. वेलली यानी बेकार. यहाँ पे यार बुरा भी होता है इसका मतलब. मैं बुरा लिखती है. इस तरह से आप बैडली को कर लोगे अंडरलाइन. क्योंकि ये एडवर्ब है. वर्ब के बारे में तो बता रहे हैं ना. लिखना क्या होती है वर्ब है. तो वर्ब के लिए तो बताया जा रहा है जैसे कि वे बुरा लिखती है इसलिए ये एडवर्ब है. सुजाता सिंह स्वीटली. इसमें आप लोग करोगे स्वीटली के नीचे अंडरलाइन. इस तरह से आपका ये एडिशन कंप्लीट हो चुका है. और अब अपन देखेंगे इसमें नेक्स्ट बी. आपको ये एडिशन दिया है ना. जैसे कि मैंने बोर्ड पे जिन वर्ड्स को अंडरलाइन करवाया है इसमें उन वर्ड को आप अंडरलाइन करोगे. नेक्स्ट अपने पास में है बी. ये भी पेज नंबर 21 पे ही है. Now look at these pictures and read the sentences given below. आपको इन पिक्चर्स को देखना है और नीचे दिए गए सेंटेंस को
पढ़ना है। फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे अपन हरी गोट अप अर्ली। तो इस सेंटेंस में आपको ब्लू कलर में एक वर्ड दिया है ना अर्ली, जैसे कि हरी गोट अप अर्ली, हरी सुबह जल्दी उठ जाता है, हरी जल्दी उठ जाता है, तो अर्ली है ना, अर्ली मतलब जल्दी। ये क्या है, इसमें एडवर्ब है, ठीक है। ये अपन को इस पिक्चर में, इस वाले पिक्चर में भी दिख रहा है, जैसे कि हरी जल्दी उठ गया है यहाँ पे, देखिए आप। नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे अपन, फादर इज कमिंग टुडे, आज पापा आ गए हैं, आ रहे हैं। फादर इज कमिंग टुडे का मतलब हो गया आज पापा आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको टुडे दिख रहा है, टुडे ये क्या है, एडवर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस है दे प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, वे कल फुटबॉल खेल रहे थे। उसमें यस्टरडे जो वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब है। फोर्थ सेंटेंस देखोगे आप, वी विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, हम अगले सप्ताह दिल्ली जाएंगे। इसमें आपको वीक दिख रहा है, वीक जो शब्द है ये एडवर्ब है, ये डिस्क्राइब कर रहा है इसको वर्ब को, जाने को, गो को। कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक जो वर्ड है ये वर्ब को बता रहा है। द वर्ड्स अर्ली, टुडे, यस्टरडे एंड नेक्स्ट वीक, पेज नंबर 22 के आ जाइए। एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब्स, ये जो वर्ड्स है ना अर्ली, टुडे, यस्टरडे और नेक्स्ट वीक, इनका, इनमें कुछ और मीनिंग ऐड कर रहे हैं ऑफ द वर्ब्स, वर्ब्स के लिए। जैसे कि वर्ब कौन कौन सी है, इनमें ही गॉट अप, कोमा कमिंग, कोमा प्लेड एंड विल गो। दे टेल अस व्हेन एन एक्शन इज डन, ये हमें बता रहे हैं कि कब ये एक्शन हो रहा है, ये डिस्क्राइब करने का काम कौन कर रही है, एडवर्ब्स। सच वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स, ऐसे वर्ब्स, ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स कहते हैं। तो आज अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को आज का होमवर्क बता देता हूँ। फर्स्ट लेट्स टू में आपको क्वेश्चन ए बुक के अंदर सॉल्व करना है, क्वेश्चन बी दिया हुआ है ना, इस क्वेश्चन बी को आपको रीड करना है दोबारा। जैसे कि मैंने भी आपको रीड करके बताया ना, आपको मैंने पिक्चर्स देखनी है, इन पिक्चर्स के हिसाब से आपको ये सेंटेंस दोबारा पढ़ने हैं। और इसमें देखोगे आप कि ये जो लास्ट में ब्लू कलर में जो वर्ड्स है ना, ये सभी क्या है, एडवर्ब्स है, ये वर्ब के साथ में ऐड हो जाते हैं, इसलिए इनको एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। ये काम आपको करना है, और इन में क्या करना है, आपको एडवर्ब्स के नीचे अंडरलाइन करना है, जैसे कि मैंने आपको भी बोर्ड पे समझाया था। यही आपका आज का होमवर्क है, और आगे अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।